हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ा था। आज हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्रियाशील मध्यवर्ती कार्बेनायन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बेनायन जब किसी भी कंपाउंड में कार्बन परमाणु अपने से कम विद्युत ऋणता वाले परमाणु से जुड़ा हो, अर्थात जिसकी नेगेटिविटी कार्बन परमाणु से कम हो और उसका विषमांश विखंडन हो, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन परमाणु पे आ जाते हैं, जिसके कारण कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऐसी ऋण आवेशित क्रियाशील मध्यवर्ती स्पीसीज को कार्बेनायन कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज्ड रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्पीसीज को कार्बेनायन कहते हैं। यह ऋण आवेश या नेगेटिव चार्ज सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है तथा इन इलेक्ट्रॉनों के साथ कार्बन के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा यह एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। कार्बेनायन की संरचना को अगर देखें तो कार्बेनायन का सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन के अष्टक के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में रहता है। 4 sp3 ऑर्बिटल्स में से 3 sp3 ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं तथा चौथे sp3 ऑर्बिटल में असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बेनायन की संरचना अमोनिया की भांति पिरामिडल होती है। कार्बेनायन भी कार्बोकैटायन की भांति 4 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जिन्हें किसी भी कार्बेनायन का प्रकार उस कार्बन परमाणु पर निर्भर करता है जिस पर नेगेटिव चार्ज उपस्थित होता है। पहला प्रकार है प्राथमिक कार्बेनायन, प्राइमरी कार्बेनायन। वे कार्बेनायन जिनमें ऋण आवेशित कार्बन परमाणु प्राथमिक हो, प्राइमरी हो, अर्थात अधिकतम एक ही अन्य कार्बन परमाणु से बॉन्ड बनाता है, प्राइमरी कार्बेनायन कहलाता है। एग्जाम्पल, इथाइल कार्बेनायन, प्रोपाइल कार्बेनायन। दूसरा प्रकार है द्वितीयक कार्बेनायन, सेकेंडरी कार्बेनायन। सेकेंडरी कार्बेनायन में ऋण आवेशित या नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन परमाणु 2 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधित होता है। एग्जाम्पल के लिए आइसोप्रोपिल कार्बेनायन, सेकेंडरी ब्यूटिल कार्बेनायन। तीसरा प्रकार है तृतीयक कार्बेनायन, टर्शियरी कार्बेनायन। इस प्रकार के कार्बेनायन में ऋण आवेशित कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंधित होता है। उदाहरण के लिए टर्शियरी ब्यूटिल कार्बेनायन। चौथा है प्रकार है मिथिल कार्बेनायन। कार्बेनायन की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी को देखें तो कार्बेनायन में एक असहभागित इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण यह एक इलेक्ट्रॉन धनी स्पीसीज है, क्योंकि कार्बेनायन पे एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। अतः वे सभी इफेक्ट या फैक्टर्स
जो कार्बेनायन के ऋण आवेश को कम करते हैं, उसके नेगेटिव चार्ज को कम करते हैं अथवा प्रक्षेपित करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, वे इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं और रिएक्टिविटी को कम करते हैं, क्रियाशीलता को कम करते हैं। पहला जो इफेक्ट है वो है प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप या माइनस आई प्रभाव वाले समूह कार्बेनायन के ऋण आवेश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जिससे कार्बन परमाणु पर ऋण आवेश घटता है तथा स्थायित्व बढ़ता है। एग्जाम्पल के लिए विभिन्न हेलोजन परमाणुओं में उनके माइनस आई प्रभाव के बढ़ने के साथ कार्बेनायन का ऋण आवेश उतना ही अधिक परिक्षेपित होता है, फलतः कार्बेनायन का स्थायित्व बढ़ता है। एग्जाम्पल देखिए, हम विभिन्न हेलोजन्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो इसकी नेगेटिविटी, कार्बेनायन की नेगेटिविटी को कम करते हैं। इसके कारण ये अधिक स्टेबल हैं, इनकी स्थायित्व निम्न प्रकार से बढ़ता जाता है। इसके विपरीत प्लस आई प्रभाव वाले समूह कार्बन पर ऋण आवेश को बढ़ाते हैं तथा कार्बेनायन का स्थायित्व घटाते हैं। वो एग्जाम्पल के लिए डिफरेंट एल्काइल ग्रुप की उपस्थिति में कार्बेनायन के स्थायित्व का क्रम कार्बोकैटायन के स्थायित्व के क्रम से विपरीत होता है, उल्टा होता है। अतः प्राइमरी कार्बेनायन सबसे अधिक स्थायी होता है और टर्शियरी कार्बेनायन सबसे कम स्थायी होता है। दूसरा जो प्रभाव है वो है अनुनाद या संयुग्मन प्रभाव, जिसे कहते हैं रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन इफेक्ट। जब कार्बेनायन के संयुग्मन में कोई पाईबंद उपस्थित होता है तो कार्बेनायन के असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म का परिक्षेपण पाईबंद के साथ हो जाता है, जिससे विभिन्न अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं कार्बेनायन के, जिसके कारण कार्बेनायन का स्थायित्व बढ़ता है। अतः एलाइल और बेंजिल कार्बेनायन का स्थायित्व या स्टेबिलिटी एल्किल कार्बेनायन के सापेक्ष अधिक होता है, जो कि इसकी संरचना में उपस्थित पाई बॉन्ड के कारण होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनुनादी संरचनाओं के कारण कार्बेनायन के ऋण आवेश का परिक्षेपण उसके स्थायित्व को बढ़ाता है। एग्जाम्पल के लिए एलाइल कार्बेनायन, जिसकी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दो अनुनादी संरचना है। दूसरा है बेंजिल कार्बेनायन, जिसकी चार अनुनादी या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। संयुग्मित पाई बॉन्ड की संख्या बढ़ने के साथ अनुनादी संरचनाएं भी बढ़ती हैं। ऋण आवेश का पाईबंद के द्वारा ऋण आवेश का प्रक्षेपण होता है और कार्बेनायन का स्थायित्व बढ़ता जाता है। अतः बेंजिल कार्बेनायन एलिल कार्बेनायन से अधिक स्थायी होता है। लास्ट जो इफेक्ट है वो है संकरण का प्रभाव। कार्बेनायनों के स्थायित्व पर संकरण का भी प्रभाव पड़ता है। सेंट्रल कार्बन के संकरण में एस लक्षण बढ़ने पर
असहभाजित सहभागित इलेक्ट्रॉन युग्म देने की प्रवृत्ति घटती है, अतः इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है और स्थायित्व बढ़ने लगता है। निम्न एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, जिसमें s करेक्टर 25% है। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है कार्बन, और जिसमें s करेक्टर 33% है। थर्ड वाले में sp हाइब्रिडाइजेशन है और s करेक्टर 50% है। कार्बनाइन का जो निर्माण है वो दो मुख्य प्रमुख विधियों द्वारा होता है। पहला, कार्बन से एक परमाणु या समूह को हटाकर। दूसरा, क्षार द्वारा प्रोटॉन के हरण से, या क्षार द्वारा प्रोटॉन के एब्स्ट्रैक्ट के द्वारा भी हम इस कार्बनाइन का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। धन्यवाद।